वाली कुल आलम शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब नवास साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के मुकद्दस स्रोत के भगत रविदास जी के प्रकाश दिहाड़े में समर्पित इस समागम के शब्द के नाल सुरत नूं जोड़ के बैठे अजीज हाजरीन आओ सब तो गुरु पहला गुरदेव पातशाह की बख्शिश पित्र फतेह बुलंद करिए गज के आख्यो जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। रमदासपुर वाले महापुरशां दा बहुत ही ज़्यादा प्यार है अरदास दे नाल। जदों भी उन्हां दा हुक्म हुंदा है मैं कदी भी उन्हां दे हुक्म नूं जो भी उन्हां दा ही जिस तरह कहा जाता है कि संगत दे स्क्रीन दे राहीं लैक्चर करना है जो भी उन्हां वल्लों कहा जाता है मेरी कोशिश हुंदी है कि जो भी उन्हां दी आस हुंदी है जां सोचदे ने उस ते पूरा उतर सकां। हुण भी जिस तरह उन्होंने कहा मैं जल्दी ही उन्होंने नाल संपर्क स्थापित करके जिहड़ियां भी तरीका उन्होंने वल्लों हुई हाजरी भरन की कोशिश करूँगा। फिलहाल अज का विशा भगत रविदास जी के पवित्र जन्म दिहाड़े को समर्पित यह समागम गुरद्वारा साहबान की हदूद के अंदर आ रहे हो तुसीं। बाहर एक बैनर के उपर एक शब्द लिखा होया है भगत रविदास जी का उचारिया होया माधो अविद्या हितकीन। अविद्या शब्द विद्या का नहवाचक रूप है। विद शब्द संस्कृत का है जिसका भाव है जानना। जानने की जिहड़ी प्रक्रिया है वह है विद्या। जानने की क्रिया किसी चीज़ को जानना किसी चीज़ की खोज करनी जां किसी चीज़ के अंतम सच तक खोज करन दी जिहड़ी साडी क्रिया है वह है विद जानना। विद्या जानन दी जिहड़ी साडी समर्था तक सीमित मनुख की मानसिकता तक ग्रहण करन दी जिहड़ी ताकत है अविद्या बिना जानकारी तो। माधो अविद्या हितकीन। जो कुछ भी किया जा रहा जानकारी तो बिना किया जा रहा जो कुछ भी वापर रहा है उसका कारण यह है कि असी किते ना किते जानकारी तो रहित हाँ। काशी दे विच दो वारी ब्राह्मणवाद के खिलाफ बड़ी कह सकते हो कि एक उग्र आवाज उठी है। एक आवाज वो है जिहड़ी ब्राह्मण नूं बड़े सख्त शब्दां विच ताड़ना करती है। ब्राह्मण दे नाल उस आवाज का निजी वैर नहीं ब्राह्मण दे नाल उस आवाज की कोई मजहबी मुखालफत नहीं पर वो आवाज़ ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्यों है इस करके है कि उस समय ब्राह्मणवाद की विद्या का एक मरकज है स्कूल ऑफ थॉट है तुलसी। तुलसी कह रहा है ढोल गवार शूदर पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी और उदे खिलाफ आवाज वो उठा रहे ने जिहड़े उस स्कूल ऑफ थॉट की विरोधता कर रहे हैं। तुलसी कह रहा है कि विद्या ज्ञान के अधिकारी नहीं ने पंज लोग ये ताड़न के अधिकारी ने इन्हों कुटिया जाना चाहिए जिस तरह ढोल वजाउण दे वास्ते कुटिया जाता है पशु नू भार खिंचण दे वास्ते कुटिया जाता है इस तरह गवार अनपढ़ शूदर दलित जाति ते औरत ये तिन्ने ही विद्या के अधिकारी ने इन्हों जिन्ना ही कुटिया जाए उन्ना ही चंगा। दूसरे पासे उस आवाज़ के खिलाफ जिहड़ी आवाज़ जन्म लैंदी है वह कह रही है कि मैं तेरी गल मनण नूं तां तैयार हाँ जे तू इस गल नूं सिद्ध करे कि तू मेरे तो वक्खरा है। वह आवाज़ है कबीर साहब की। वह कहिंदे ने जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया आन बाट काहे नहीं आया। मैनू एक गल का जवाब दे जे तू ब्राह्मण है उच्चा है तेरे को ही विद्या का अधिकार है माया वास्ते कोई ना उठ्यो मेरी बेनती जे तेरे को ही विद्या का अधिकार है तो मैनू केवल तो केवल एक गल का जवाब दे कि संसार दे विच जिस किरिया के राही मैं संसार दे विच आया जिस रस्ते मैं आया तू वक्खरा रस्ता इख्तियार क्यों नहीं किया।
परमात्मा ने तैनू संसार दे विच भेजण दा उही रस्ता क्यों दिता है जिहड़ा मैनू दिता है। दूसरी गल यह है उहदे संसार च आउण दी क्रिया। हुण कहिंदे संसार च तू आ गया है ते मैं तैनू डाइसैक्ट करके मैं तेरे शरीर नू कट के वेखना चाहुंदा है। मैनू एक गल दा जवाब दे, तुम कत ब्राह्मण हम कत शुद्ध। तू ब्राह्मण किवें है ते मैं दलित किवें है। जे सचमुच ही परमात्मा ने जात बना के भेजी है फिर हम कत लहू तुम कत दूध, फिर मेरिया नाड़ा दे विच खून क्यों है ते तेरिया नाड़ा दे विच चिट्टे रंग का दुध क्यों नहीं जे तू मेरे तो वखरा है। इस गल का जवाब दे मैनू। कुदरत ने ब्राह्मणवाद के इस जाति अहंकार वाले स्कूल ऑफ थॉट के कोल इस चीज़ का जवाब नहीं है। आवाज़ बड़ी तीखण है, आवाज़ बड़ी उग्र है, जवाब नहीं दिते जा रहे। आवाज़ यही है कि दस मैनू मैं तेरे तो वखरा किवें, तू किवें कह सकता है कि मैं विद्या ग्रहण नहीं कर सकता, तू किवें कह सकता है मैं ज्ञान नहीं लै सकता, तू किवें कह सकता है मैं धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकता, तू किवें कह सकता है कि मैं ज्ञान प्राप्त करके उच्चा नहीं हो सकता, तू क्यों औरत नूं बुरा कहना। यह विचारधारा की जंग है। दूसरी आवाज उस ही काशी दे विच जिहड़ी उठदी है वह आवाज़ साढ़े सामने एक होर संकल्प पैदा कर दिंदी है कि जिस ब्राह्मण नूं जाति का अहंकार सी मैं उसनूं अपने सामने झुका दिता है ज्ञान दे नाल। वह आवाज़ है भगत रविदास जी की, जहे कुटंब के ढेर सब ढोर टवंत फिरे अजू बनारसी आस पासा, अचार सहित बिपर करे डंडौत तिन तने रविदास दा सान दासा। दुनिया के लोगों मैं तुहानू दसना चाहना है कि मेरे जिस कबीले दे लोग, मेरे जिस परिवार दे लोग इस काशी दे आले दुआले दे इलाके दे विच मरे हुए पशुआं दे चमड़े दा काम करदे सी, मैं ज्ञान दे नाल उच्च उस आत्मिक अवस्था दे विच पहुँच गया कि अज ब्राह्मण भी मेरे सामने झुकया होया। उन्हूं मेरी गल दा जवाब नहीं आ रहा। आचार सहित आचरण दे नाल, आचार सहित विपर करे डंडौत, हुण जिहड़ा ब्राह्मण है वह मैनू मत्था टेक रहा है। दुनिया केवल ज्ञान दे अगे झुकदी है, कहिंदे ब्राह्मण मैनू मत्था टेक रहा क्यों, आचरण दे विच आ गया, उन्हूं पता लग गया मेरे कोल ज्ञान किन्ना है। आचार सहित विपर करे डंडौत किस दे अगे, तिन तन्ने रविदास दा सान दासा, जिहड़ा रविदास उस परमात्मा दा दास है उस दे अगे ब्राह्मण झुकिया है। हुण उस परमात्मा दे विच ते भगत रविदास दे विच प्यार दी खिच किवें दी है। वो कहिंदे ने साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, पर यह गल चंगी हुंदी एक दे नाल जोड़ लैना, पर सब तो जरूरी हुंदा है कि एक दे नाल जोड़ के बाकियां दे नालों तोड़ लैना। असी एक दे नाल जुड़न दी कोशिश दे विच आ पर दूजियां दे नाल तोड़न दी समर्था नहीं रखते। असी कहने गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेक लईए, पर जिहड़ा गुरु नूं मत्था टेकना है ना, तुदनो निवण मन्नण तेरा नाओ, नाओ है हुक्म। असी केवल ते केवल तन झुकाउण तक सीमित हाँ, असी हुक्म मन्नण तक सीमित नहीं। असी इत्थे आ के मत्था टेकदे हाँ ते बाहर जाके कबर ते भी सिर झुका दिंदे हाँ, किसी मूर्ति ते भी झुका दिंदे हाँ, किसी पखंडी दे अगे भी सिर झुका दिंदे हाँ। एक नाल जुड़न की कोशिश दे विच हाँ, पर बाकियां दे नाल तोड़न की समर्था नहीं रखते। रविदास जी कह रहे ने साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोड़ी। समर्था यह होंदी है एक दे नाल जुड़ना ते बाकियां नालों तोड़ लैनी। असी एक दे नाल जुड़न की कोशिश दे विच हाँ, पर दूसरियां दे नालों तोड़न की समर्था नहीं रखते। समस्या इत्थे फिर यह किवें दी होवे, जो तुम गिरवर तो हम मोरा। जे तू बदल है ना तो मैं तेनू वेख के इन्ना खुश हो रहा जिन्ना मोर खुश हुंदा। जो तुम चंद तो हम भय है चकोरा। मैनू इन्नी प्रसन्नता मिलती है कि तू चंद्रमा होवे तो मैं चकोर होवां। जो तुम दीप तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती। जे तू तीरथ होवे तो मैं जात्री होवां तो मेरा निशाना तेरा मिलाप होवे। जे तू दीवा होवे ते मैं तेरी बत्ती होवां कि दोवां नू आपस तो जुदाई ना कीता जा सके। ये रविदास का पक्ष है।
ਇਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਘ ਤੋਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਵੱਕਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਗੰਠ ਗੰਠ ਖਰਾ ਬੇਗੋਚਾ ਹੋਂ ਬੇਗੰਠੇ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਸਰਾਪ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟਿਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਵਾਪਰਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਵਰਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਨਾ ਟੁੱਟੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਗੰਠ ਗੰਠ ਖਰਾ ਬੇਗੋਚਾ ਹੋਂ ਬੇਗੰਠੇ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੰਠ ਹੈ। ਹੋਂ ਬੇਗੰਠੇ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਅਲ ਕਮਲ ਸਲਲ ਮੀਨ ਚੱਕਵੈ ਚਕੋਰ ਮ੍ਰਿਗ ਰਾਵ ਸਸਨਾਦ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਦਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੋਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਗ ਹੈ ਮੈਂ ਹਿਰਨ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੀਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਯਾਤਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚਕੋਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਅਲ ਕਮਲ ਸਲਲ ਮੀਨ ਚੱਕਵੈ ਚਕੋਰ ਮ੍ਰਿਗ ਰਵ ਸਸਨਾਦ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭੰਵਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਚੱਕਵੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਭਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਬਹੁਰੰਗੀ ਨਾ ਸੰਗੀ ਕੋਈ, ਸਭੇ ਦੁੱਖਦਾਈ ਨਾ ਸਹਾਈ ਅੰਤ ਆਦਿ ਹੈ, ਜੀਵਤ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੋਏ ਨਾ ਪਰਮਗਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਆਵੇ? ਇਹ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਗ ਹਿਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਚਕੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਚੱਕਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਸ਼ਮਾ ਪਰਵਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਸ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਬਗਲਗੀਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਤਵੱਕਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਤ, ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਧਨੋ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।